रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। टिड्डी दल का हमला, कोरोना महामारी के इस दौर में किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। खेतों में खड़ी मूंग की फसल चंद घंटों में टिड्डी चाट रहे हैं। राजस्थान से टिड्डी दल का मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भी पहुंच गया है दल। जिले के अब्दुल्लागंज में ग्राम बमनई में सीहोर जिले की सीमा से दाखिल हुआ टिड्डी दल ने क्षेत्र में भारी उत्पात मचा रखा है। मौके पर पहुंचे एसडीएम तहसीलदार सहित कृषि वैज्ञानिकों ने फायर ब्रिगेड से पेड़ों पर दवा की बौछार कर सरकारी वाहनों में हूटर की आवाज से गांव में आए टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने सीहोर जिले की सीमाओं से रायसेन जिले में भी प्रवेश किया। जिले में आया यह दल दो भागों में बट गया है। एक दल रातापानी सेंचुरी एरिया में जंगलों में पहुंच गया तो दूसरा अब्दुल्लागंज क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। जिला प्रशासन ने रायसेन के सभी ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया है। हवा के रुख के साथ ही टिड्डी दल अपना डायरेक्शन बदल सकता है। ग्राम बबनई में दवा के छिड़काव से 10 से 15% टिड्डियों को मारा जा चुका है। बाकी का जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। पूरा भारत कोरोना की लड़ाई से लड़ रहा है, वहीं देवास शहर में वाल्मीकि समाज के द्वारा 2 महीने से लगातार गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। वहीं रवि शांगते द्वारा कोरोना योद्धा डॉक्टर पुलिस प्रशासन सफाई कर्मी को धन्यवाद दिया है और बताया कोरोना हारेगा और देवास जीतेगा, यही संकल्प देवास महाराज द्वारा दिया गया है। इसी विश्वास के साथ वाल्मीकि समाज द्वारा निरंतर गरीबों की सेवा में रोज भोजन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने देवास शहरवासियों से अपील की है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घर में सुरक्षित रहें। वाल्मीकि समाज द्वारा लगातार सेवाएं दी जा रही हैं। सेवा में लगे वाल्मीकि समाज ने अपील की है कि हमेशा सैनिटाइज से करें अपने हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मुंह पर कपड़े का मास्क बांधें। देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। छतरपुर से हमारे संवाददाता किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट। टिड्डियों का दल नष्ट करने के लिए नेशनल पार्क के टीम ने आग जलाकर किया प्रयास। टिड्डियों का दल अफगानिस्तान से करोड़ों की संख्या में आई है जो हरे भरे वृक्षों को नष्ट कर रही है। छतरपुर पन्ना नेशनल पार्क के अधिकारियों व कर्मचारियों ने हाईवे रोड पर 75 पर अफगानिस्तान से आए लाखों करोड़ों की संख्या में टिड्डियों के लिए खेतों में आग लगाई। साथ ही टिड्डियों को भगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हरे भरे वृक्षों पर लोगों ने खेतों की खड़ी फसल को नष्ट होने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। छतरपुर से हमारे संवाददाता किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट।